जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे पिछली वीडियो के अंदर भी हमने 1857 के रिवोल्ट को का वी कैन से हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। पिछली वीडियो तक हमने क्या कंप्लीट कर दिया था, हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे कि कैसे कैसे और किस किस स्टेट से या किस किस आपके सिटी से या कौन कौन से पोर्शन से आपके कौन कौन से लीडर्स रिवोल्ट को वहाँ पे लीड कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे चेक कर ली थी। इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का स्टार्ट आपका कहां से होता है, ठीक है, कैसे होता है, कैसे 10th ऑफ मई को स्टार्ट होता है और कैसे सारे के सारे सिपाही जो हैं दे वेंट टू दिल्ली, वो वहां पे गए और वहां पे उन्होंने बहादुर शाह जो अब जफर जो थे द लास्ट मुगल एम्परर उनको अपना हेड बनाया एंड उसके बाद जो जो चीज हुई वो हमने इसके अंदर चेक किया था। आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि जो आपके ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो यहाँ पे इंडिया के अंदर थे, वो यहाँ पे आपका जो है आउट नंबर होना शुरू हो यहाँ पे हो गए थे, राइट। काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को यहाँ पे मार दिया गया था, उनको यहाँ पे किल कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अभी हम देखेंगे द कंपनी फाइट्स बैक। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फाइट बैक करेगी। अब फाइट बैक कैसे होगा, देखिए हुआ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स की यहाँ पे लोग काफ़ी कम हो गए थे, उनको यहाँ पे मारना शुरू कर दिया था बेटा यहाँ पे इंडियंस ने, तो उसके बाद यहाँ पे आपके एक लेफ्टिनेंट टाइटलर्स हुआ करते थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट टाइटलर। तो लेफ्टिनेंट जो आपके टाइटलर थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के लिए एक लेटर लिखा, जो उनके क्या थे कमांडर इन चीफ थे आपके ब्रिटेन में, तो उनके एक वहाँ पर लेटर लिखा कि इंडियंस जो है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया है, अपनी आवाज उठाने शुरू कर दी है और सारे के सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को यहाँ पे मारना शुरू कर दिया है और वो टाइम आने वाला है काफी जल्दी कि जब हम लोग भी नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से उन्होंने एक लेटर लिखा था और क्या वहां से डिमांड की थी, डिमांड ये की थी कि वी वॉन्टेड मोर रीइन्फोर्समेंट, हमको रीइन्फोर्समेंट चाहिए। तो होता क्या है, उसी के कुछ टाइम बाद ब्रिटेन से आपके काफी सारी फोर्सेस को इंडिया की ओर भेजा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वहां से फोर्सेस इंडिया आती है तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे क्या करेगी, उन्होंने इंडियंस को यहां पे क्या करना शुरू कर दिया बेटा, क्रश करना शुरू कर दिया। और जो वहां पे एरियाज या जो वी कैन से प्लेसेस इंडियंस ने वहां पे कैप्चर वी कैन से कर दिया था किससे, ब्रिटिशर्स से, अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे फिर से उन्हीं एरियाज को फिर से अपने अंडर करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या बात करेंगे, हम अगर दिल्ली की बात करते हैं बेटा, तो दिल्ली की अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तो दिल्ली को सितंबर 1857 में ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे क्या कर दिया, रिकैप्चर कर दिया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका क्या था दिल्ली था, तो दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड, ठीक है, दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857। तो बेटा सितंबर 1857 के अंदर दिल्ली जो था उसे क्या कर दिया जाता है, उसको रिकैप्चर कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए जो कैसे कर दिया जाता है, मैंने बताया था कि रीइन्फोर्समेंट जब ब्रिटेन से इंडिया आती है तो वो क्या करती है, इंडियंस के साथ यहाँ पे क्या करती है बेटा, फाइट बैक करती है। और जो आपका दिल्ली को इंडियंस ने अपने अंडर वहां पे कर दिया था, उसे कैप्चर कर दिया था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उसी दिल्ली को दोबारा रिकैप्चर कर देंगे इन सितंबर 1857, ठीक है ना। आई होप यहां तक बेटा सबको समझ में आ रहा होगा। इसी के बाद हम बात करेंगे बेटा लखनऊ, अगर हम लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है लखनऊ को वॉज रिकैप्चर, जो आपका लखनऊ था लखनऊ को भी बेटा रिकैप्चर कर दिया जाता है। और कब लखनऊ को रिकैप्चर कर दिया जाता है, मार्च 1815 में, सॉरी 58 में। तो मार्च 1858 में जो आपका लखनऊ है, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि यहाँ दिल्ली से कौन फाइट कर रहा था, कौन रिवोल्ट को लीड कर रहा था, तो बेटा दिल्ली से तो कौन थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह वी कैन से सेकंड। अगर हम लखनऊ की बात करेंगे तो यहां से कौन फाइट कर रहा था, आपको मैंने बताया था बेगम हजरत महल और बिरजिस कद्र। तो बिरजिस कद्र और बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से क्या कर रहे बेटा, इस रेबेलियन को, इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ, तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनको भी डिफीट कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ही रीइन्फोर्समेंट आती है वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई को भी यहाँ पे डिफीट कर दिया जाता है और इनको भी मार दिया जाता है।
तो रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, इनको भी आपका जो है मार दिया जाता है, एंड किल्ड किल्ड इन जून 1858। तो 1858 में जून में रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया जाता है और इनको भी मार दिया जाता है। तो ये सारी चीजें, अब जैसे ही रीइंफोर्समेंट आती है, जैसे और आर्मी पर्सनल्स आते हैं आपके ब्रिटेन से, तो वैसे वो इंडियंस को यहाँ पे जो भी शहर इंडियंस ने यहाँ पे कैप्चर किए हुए थे उनको फिर से रीकैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है एट लास्ट। अगर हम यहाँ पे बेटा बहादुर शाह जफर की बात करेंगे, तो बहादुर शाह जफर जो थे उनके साथ क्या हुआ, तो बहादुर शाह जब जफर थे और जो उनकी वाइफ थी बेगम जीनत महल, तो बेगम जीनत महल और बहादुर शाह जफर जो थे उनको बेटा एग्जाइल दे दिया जाता है, उनको इंडिया से बाहर निकाल दिया जाता है। इंडिया से बाहर कहाँ निकाल दिया जाता है, कहाँ उनको उनको जो है आपका एग्जाइल दे दिया जाता है, तो बेटा म्यांमार। म्यांमार में एक प्लेस आपका पड़ता है बेटा यंगून, आज के टाइम पे उसको हम बोलते हैं यंगून, पहले उसका नाम हुआ करता था बेटा रंगून। तो रंगून उनको जो है बर्मा म्यांमार में भेज दिया जाता है, एक जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर 4 साल बाद बहादुर शाह जफर जो है उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर जो थे उनके साथ क्या होता है इसको लिखेंगे, तो बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर जो थे और उनकी जो क्या थी वाइफ थी बेगम जीनत महल, वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून। रंगून बेटा आपका पड़ता है कहां पे, है बर्मा। बर्मा जो कि आपका म्यांमार का पहले नाम है था, म्यांमार तो हम आज के टाइम पे बोलते हैं, पहले बेटा म्यांमार को बर्मा बोला जाता था। तो बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वाज सेंट टू वी कैन से प्रिजन इन रंगून बर्मा, ठीक है। कब भेजा गया था, इन 1858। तो 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ को बेटा कहां भेज दिया जाता है, रंगून की जेल में उनको भेज दिया जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको अक्टूबर लिख सकते हैं बेटा, अक्टूबर 1858 में उनको वहां पे भेजा जाता है। अब अक्टूबर 1858 में उनको वहां पे भेजा जाता है, उसके बाद इसके 4 साल बाद ऑलमोस्ट बहादुर शाह जफर जो है उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे बेटा डेथ लिखता हूँ कि बहादुर शाह की डेथ कब होती है, तो बहादुर शाह की डेथ जो वहां पे आपकी हो जाती है वो 4 साल बाद हो जाती है, उसी जेल के अंदर, उसी प्रिजन के अंदर जो कि रंगून में था। तो यहाँ पे आपका जो है नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की 4 साल बाद वहां पे डेथ हो जाती है। और बहादुर शाह जफर, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दैट हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, तो लास्ट मुगल एम्परर कौन था बेटा आपका, बहादुर शाह जफर आपका लास्ट मुगल एम्परर था, या इनको बहादुर शाह सेकंड भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था, क्यों ये आपके एक जो है ये आपके क्यों लास्ट मुगल एम्परर वहां पे क्यों थे, क्योंकि बेटा बहादुर शाह और जो इनकी वाइफ थी बेगम जीनत महल, इनको तो क्या है रंगून एग्जाइल भेज दिया गया था, इनको प्रिजन के लिए वहां पे जेल में डाल दिया गया था। बाकी जो इनके बच्चे थे, इनके जो बेटे जो थे, इनको मार करके दिल्ली में ही दफना दिया गया था, राइट। तो दिल्ली में उनको दफना दिया गया था, और जो लास्ट आपके बहादुर शाह बच्चे थे उनको जेल में भेज दिया गया, जहां पर 4 साल बाद 1862 में उनकी वहां पे डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि द कंपनी फाइट्स बैक, कि कंपनी ने कैसे कैसे फाइट बैक किया। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ये बेटा ये आपका दिल्ली को रिकैप्चर किया, फिर आपका लखनऊ को किया, वैसे आपका जो रानी झांसी को हराया, वैसे बहादुर शाह जफर को भी इन्होंने एग्जाइल में भेज दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे हमारा जो आपका रेबिलियन था, जो हमारा क्या था रेबिलियन था, वो एक क्या बन के रह गया, रिवोल्ट बन के, यहाँ पे रिवोल्ट बन के रह गया। मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशन को भी एक्सप्लेन किया था कि रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपका क्या रेबेलियन है, अगर कोई आवाज उठती है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, बट अगर हम लोग या अगर वो आवाज अनसक्सेसफुल होती है तो उससे हम बोलते हैं रिवोल्ट।
इसी वजह से जो 1857 में हुआ था उसको हम रिवोल्यूशन नहीं बोलते हैं बल्कि उसको रिवोल्ट बोलते हैं, बिकॉज इट वॉज वी कैन से क्रश्ड बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी इस आवाज को क्या कर दिया था यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्रश कर दिया था। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड हमारा आता है बेटा नेशनलिज्म, एक वर्ड हमारे पास आता है नेशनलिज्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म बेटा? नेशनलिस्ट का मतलब होता है आपका राष्ट्रवाद, राइट? आपने सुना होगा द फीलिंग ऑफ वननेस, द फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, राइट? शेयरिंग अ डेफिनेट टेरिटरी, मतलब एक ही कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके मन में जो एक राष्ट्रवाद की जो फीलिंग होती है ना, एक यूनिटी की जो फीलिंग होती है, वननेस की जो फीलिंग होती है, उसी को हम बोलते हैं बेटा नेशनलिस्ट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो 1857 का जो बेटा क्या था, रिवोल्ट हुआ था, क्या इसमें नेशनलिस्ट की फीलिंग थी या नहीं थी? सो बेटा यहाँ पे आंसर आपका आएगा नो, देयर वाज नॉट, और वी कैन से देयर वाज नो फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट अमंग द हर्ट्स और अमंग द वी कैन से माइंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो हम भारत के उस टाइम पे लोग थे उनके बीच में कोई भी आपके नेशनलिस्ट की फीलिंग बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी यहाँ पे रिवोल्ट को क्या कर रहे हैं बेटा, लीड कर रहे हैं, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो केवल अपने पर्पस के लिए वहाँ पे फाइट कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि आपका क्या रानी झांसी केवल हमारा मतलब कंट्री के लिए फाइट नहीं कर रही है, हम वहाँ पे उस टाइम पे कंट्री को फ्री कराने के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने ओन पर्पस के लिए फाइट कर रहे हैं। रानी झांसी क्यों फाइट कर रही है? रानी झांसी फाइट कर रही है क्योंकि जो इनका जो अडॉप्टेड सन है वो उसको किंग डिक्लेयर करवाना चाहते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं चाहते थे। वही हमने आपको पढ़ाया था वी कैन से नाना साहेब, तो नाना साहेब के जो फादर थे बाजीराव को सेकंड, उनकी डेथ के बाद नाना साहेब को जो पेंशन मिलनी थी उसको रोक दिया गया था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नाना साहेब इसलिए वहां पे 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने जंप किया कि ताकि ब्रिटिशर्स उनकी जो क्या उनके फादर की जो पेंशन थी उसको फिर से रीस्टार्ट कर दे। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपके अलग अलग लोग यहाँ पे अपने खुद के पर्पस के लिए उन्होंने फाइट किया। ठीक है, सो इसलिए हम बोल सकते हैं देयर वॉज नॉट नो सिंगल फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उस टाइम पे जहां पे एक और आपका नॉर्थ इंडिया में 1857 का रिवोल्ट चल रहा है, वहीं आप देखो साउथ इंडिया के अंदर, तो साउथ इंडिया आपका बिल्कुल प्रॉस्परस है, बिल्कुल फल फूल रहा है, अच्छे से आपका फ्लरिश हो रहा है। इज इट क्लियर? तो नेशनलिज्म का मतलब क्या है? जब पूरे कंट्री के अंदर आपका ब्रॉल हो रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आगे हम पढ़ने वाले 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 का हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 को हम पढ़ेंगे बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट थे ये केवल एक ही प्लेस में नहीं चले, कि जैसे हमारा 1857 का क्या था रिवोल्ट था मेनली आपका जो ऊपर नॉर्थ यू नो इंडिया के आसपास चला था बस, ओनली साउथ इंडिया में वहाँ पे कोई मतलब नहीं किसी को। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट चले जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किए थे, ये पूरे आपके क्या थे बेटा नेशन वाइड थे। यहाँ पे लोग अपने खुद के लिए फाइट नहीं कर रहे, यहाँ पे लोग अपने खुद के लिए आवाज नहीं यहाँ पे आवाज नहीं उठा रहे हैं बल्कि वो कंट्री को फ्री कराने के लिए यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है इन के जो भी यहाँ मतलब आपके मूवमेंट हुए थे नॉन कोऑपरेशन टाइप के, वहां पे लोगों के अंदर क्या था नेशनलिज्म की फीलिंग थी। बट अगर हम 1857 के रिवोल्ट की बात करते हैं तो 1857 के रिवोल्ट के अंदर क्या नहीं था, नेशनलिज्म की फीलिंग बिल्कुल नहीं थी। तो आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई होप। इसके बाद हम करेंगे बेटा आउटकम्स या आफ्टरमैथ, दैट व्हाट वर द आफ्टरमैथ या व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट है उसके आउटकम्स क्या क्या थे बेटा, उसके अभी हम उसको देखते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ अब देखिए, आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आउटकम क्या होगा, अगर हम आउटकम की बात करते हैं, आउटकम के अंदर सबसे पहला आउटकम ये होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब पावर जो है, अब पावर सीधे से देखिए, अभी तक क्या था 1857 तक 1858 तक पावर किसके हाथ में थी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को क्या कर रही थी बेटा, यहाँ पे आपका रेगुलेट कर रही थी, इसे गवर्न कर रही थी। लेकिन जब इतना बड़ा रिवोल्ट हो चुका है तो अब जो आपका ब्रिटिश क्राउन बैठा हुआ है, जो आपके क्या ब्रिटिश वहां पे किंग बैठा है या आपकी क्वीन बैठी है, उसने क्या किया, अब पावर को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ पे ले लिया।
अब मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांसफर हो चुकी है पावर, नाउ द पावर हैज बीन वी कैन से ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आपकी पावर आ चुकी है, तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि द ब्रिटिश जो वहां पे एक एक्ट, वहां पे क्या होता है बेटा, एक एक्ट पास होता है, एन एक्ट वॉज पास्ड ठीक है, इन 1858 विच ट्रांसफर्ड द पावर, जिसने पावर को किसके हाथ में ट्रांसफर कर दिया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर को मतलब ट्रांसफर कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से पूरी तरीके से बैन कर दिया। सो विच ट्रांसफर द वी कैन से पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो देखिए हेक एक्ट आपका 1858 में पास हुआ था, जिसमें क्या किया था, पावर सत्ता का हस्तांतरण बोलते हैं, पावर का ट्रांसफर में आपका ट्रांसफर किया गया था, किससे ट्रांसफर किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको, आप सीधे पावर किसके हाथ में आ गई थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर आ गई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये देखेंगे कि जो आपके क्या थे, गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, ठीक है, जिसको हम पहले गवर्नर जनरल ठीक बोलते थे, अब गवर्नर जनरल की जो आपके क्या पोस्ट है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया बेटा, वाइसराय कर दिया गया। अब ये क्यों, इसका मतलब क्या बेटा, अगर हम जिसको गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, तो गवर्नर जनरल क्या था, गवर्नर जनरल का मतलब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, तो गवर्नर जनरल किसको शो करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता था उसको हम गवर्नर जनरल बोला करते थे। क्योंकि अब पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ चुकी थी, तो इसलिए जो क्या था, नाम था, वो नाम भी चेंज कर दिया गया। अब जो अगर आपका गवर्नर जनरल बोलेंगे मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन अब उस नाम को चेंज कर दिया गया था बेटा वाइसराय। इसका मतलब क्या है, जो आपका वाइसराय होगा 1858 के बाद जो भी आपके यहाँ पे आएंगे उनको क्या बोला गया बेटा, वाइसराय बोला गया। तो जो आपके वाइसराय थे, तो ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये ब्रिटिश जो क्या क्राउन है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। आई होप ये पोर्शन आपको समझ में, सबको समझ में आ रहा होगा। एक और बात मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में कौन इंडिया का गवर्नर जनरल था, सो द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो आपका लास्ट, हम क्या बोल सकते हैं कि आप वी कैन से कि आप जो हमारा क्या था, लास्ट गवर्नर जनरल था यहाँ पे, तो लास्ट गवर्नर जनरल कह रहा हूं जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका रिप्रेजेंट कर रहा था, तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अब अगर हम बात करें वाइसराय 1858 के बाद, लॉ 1858 में आपका हुआ था पास, 1858 के बाद जो पहला वाइसराय यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मतलब बना, वो भी कौन था बेटा, वो भी लॉर्ड कैनिंग था, इतना आपको याद रखना है। तो आपका क्या था, लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, इसी को बनाया गया था। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक यहाँ पे पोस्ट निकाली गई, एक क्या बनाई गई यहाँ पे, पोस्ट बनाई गई कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस टाइप की एक यहां पे क्या बनाएगी, इस नाम से एक पोस्ट बनाएगी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस नाम से एक पोस्ट बनाई गई थी, और इस पोस्ट में जो सेक्रेटरी होगा उसको क्या काम दिया गया था कि इंडिया का पूरा गवर्नेंस देखना है उसको, जो भी काम, जो भी मतलब कौन कौन से मैटर उसके हाथ पे दिए थे कि इंडिया का गवर्नेंस, जो भी इंडिया में हो रहा है उसका जो गवर्नेंस, उस सेक्रेटरी को देखना है, और जो आपका वाइसराय है वो उसको आंसर देगा, ठीक है। अब जो वाइसराय है वो किसको आंसर देगा, वो जो सेक्रेटरी की वहां पे क्या बनाई गई है, पोस्ट बनाई गई है, अब उसको आंसर देगा, ठीक है। और सेक्रेटरी जो न्यू पोस्ट बनाई गई थी उसको हेल्प करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसका नाम था इंडिया काउंसिल, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को यहां पर एक्सपेंड कर दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, हुआ क्या था, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश यू नो कैबिनेट, क्या हुआ कि अ मेंबर
ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है, अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट A member of British cabinet was appointed, ठीक है, तो a member of British cabinet was appointed secretary of state for India. तो बेटा ये वाली जो आपकी क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये पोस्ट बनाई गई थी, तो अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट ये कौन था, जो सेक्रेटरी था ये कौन था, ये ब्रिटिश जो क्या थी कैबिनेट थी, है ना, आपकी जो क्या होता है कैबिनेट होता है, तो ब्रिटिश जो कैबिनेट थी उसका एक मेंबर हुआ करता था, और उस वो आपका क्या मतलब उसको आपका जो है यहाँ पे इंडिया के लिए यहाँ पे उसको सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। तो अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल, और किस चीज के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल यहां पर रिस्पॉन्सिबल या बनाया गया, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी क्या मैटर होगा, अब उसे कौन देखेगा, उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो पोस्ट है, ये जो आदमी है, ये देखेगा, ठीक है। अब इसे हेल्प करने के लिए मैं यहां पे आई होप यहां पोर्शन सबको समझ में आया होगा, ये वाला पॉइंट मैं अभी यहां पे बेटा रफ कर दे रहा हूं। अब इसे हेल्प करने के लिए जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ठीक है, इसे हेल्प करने के लिए यहां पे क्या दी गई है, यहां पे एक काउंसिल दी गई है, ठीक है। ही का मतलब है बेटा यहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको क्या दिया गया है, ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू हेल्प या टू एडवाइज हिम, उसको एडवाइज करने के लिए एक क्या दी गई बेटा, काउंसिल दी गई, और जिस काउंसिल का नाम था आपका इंडिया काउंसिल। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। फिफ्थ आउटकम ये था कि जो आपके मुस्लिम्स थे, कि जो आपके एक क्या थे मुस्लिम्स थे, उनकी लैंड को कन्फिस्केट किया गया। लैंड कन्फिस्केटेड मतलब कन्फिस्केट का मतलब होता है बेटा सीज करना, ठीक है ना। देखो ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि जो आपके मुस्लिम्स हैं उन्होंने इस रिवोल्ट के अंदर बड़े चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि बहादुर शाह जो आपके जफर थे वो भी ये क्या थे मुस्लिम थे, तो उनके पीछे जो भी इनके काफी सारे लोग थे जो आपके आपके क्या थे मुस्लिम्स हुआ करते थे, और ब्रिटिशर्स ने माना कि मुस्लिम्स का इसमें काफी ज्यादा क्या था रोल था, इसी वजह से इसके बाद जो मुस्लिम्स थे उनकी लैंड को यहाँ पे कन्फिस्केट कर दिया गया, उनकी लैंड को यहाँ पे उन्होंने जब्त करना शुरू कर दिया, सीज करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ अगर मैं 6 पॉइंट यहाँ पे लिखूं, तो 6 पॉइंट के अंदर ये है कि देखिए पहले क्या होता था, पहले ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो इंडियन मतलब वहां पे लोग थे उनकी उन, उनके उनका नंबर ज्यादा होता था और यूरोपियन सोल्जर का नंबर कम होता था। ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन लोग ज्यादा थे और यूरोपियन लोग क्या थे वहां पे कम थे। मतलब पहले क्या था, पहले इंडियंस जो थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर वो ज्यादा थे, और जो आपके वी कैन से ब्रिटिश या जो आपके यूरोपियन सोल्जर्स हुआ करते थे वो कम थे, ठीक है, बिफोर 1857 का रिवोल्ट। तो ये है आपका बिफोर, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसको पूरा चेंज कर दिया गया, इंडियंस यहां पे क्या कर दिए गए, यहां बेटा कम कर दिए गए, और ब्रिटिश आर्मी के अंदर यूरोपियंस जो हैं इनको क्या कर दिया गया, इनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, ठीक है बेटा। आई होप ये पोर्शन यू ना सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 1857 का रिवोल्ट के क्या थे बेटा आउटकम्स थे, आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आएगा। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट हियर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। तो यहां तक बेटा हमने 1857 का रिवोल्ट को देखा, यहां पे हम 1857 के रिवोल्ट को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।